हेलो एवरीवन, सो इस वीडियो पर हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक मैथ और ये कुछ वीडियोस की मैं सीरीज बनाऊंगा जिस पर हम लोगों का मेन मोटिव होगा वैदिक मैथ्स का बिल्कुल बेसिक डिस्कस करना। तो ये वैदिक मैथ्स किन स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिट देगा, तो जैसे मान लीजिए कोई स्कूल स्टूडेंट्स है जो कैलकुलेशन करना, प्लस माइनस करना, इस तरह की चीज़ें सीख रहा हो, उसके लिए ये काफ़ी बेनिफिट देगा। क्योंकि अगर वो इनको अच्छे से सीखेगा तो लॉकडाउन के बाद जब वो बच्चा क्लास में जाएगा तो उसकी कैलकुलेशन ज़रूर बाकी स्टूडेंट से काफ़ी फास्ट होगी। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये वीडियो बन रही है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं जो प्लस टू बेस के जितने भी जॉब और एंट्री एग्ज़ाम्स हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। इसमें मान लीजिए कोई स्टूडेंट अगर पुलिस की ही तैयारी कर रहा हो तो उन स्टूडेंट्स का मैथ्स काफ़ी वीक होता है। एक होता है वीक होना और एक होता है काफ़ी वीक होना। तो उन बच्चों का मैथ्स इतना बेकार होता है, इतना जो मैथ्स का स्तर है वो इतना नीचे होता है कि जिस वजह से पेपर पास करना उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी टफ बन जाता है। वो स्टूडेंट्स मेहनती ज़रूर होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो दौड़ अपना फिजिकल निकालने में तो काफ़ी मेहनत करके उसको पास आउट कर जाते हैं, लेकिन जैसे ही रिटन एग्ज़ाम आता है तो जीके भी वो याद कर लेते हैं कि वो मेहनती होते हैं, सुबह उठेंगे या शाम को अपना जीके तैयार कर लेंगे, हिंदी होगी या इंग्लिश होगी, इस तरह की जो चीज़ें हम लोगों को याद करनी होती है उस पर तो वो स्टूडेंट्स काफ़ी इंटरेस्ट लगाकर या काफ़ी मेहनत लगाकर वो सब सीख लेता है। लेकिन जो मैथ्स पोर्शन आता है उसका बेसिक वीक होने की वजह से उस बच्चे का स्कोर कम रह जाता है। और स्कोर कम रहने की वजह से मैंने कई स्टूडेंट्स देखे हैं जो एक एक दो दो पाँच पाँच छः छः मार्क्स की वजह से रह जाते हैं पेपर निकालने के लिए। तो मेन जो मैं रीज़न समझता हूँ इसके पीछे कि क्यों उनके साथ ऐसा होता है, क्योंकि उनका मैथ्स काफ़ी वीक होता है। ऐसे मेरे पास कई स्टूडेंट्स हैं जिनका मैथ्स वीक होने की वजह से ही पेपर नहीं निकलता है, बाकी जीके इंग्लिश उनका बिल्कुल सॉलिड उन्होंने कर लिया होता है, अपना जो भी हिस्ट्री होगी या जियोग्राफी होगी, जितने भी क्वेश्चन हैं, क्योंकि बच्चे और याद ही करना है तो बार बार रीड कर करके वो अपना कर लेते हैं। तो बेसिक ये जो मैथ्स के ट्रिक्स हैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी बेनिफिट देंगे जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, और या फिर स्कूल के स्टूडेंट्स भी, जो भी अगर कोई बड़ा देख रहा हो उसके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ भी वीडियो दिखाएं, स्कूल स्टूडेंट्स के साथ कोई भी सीख सकता है एक्चुअल में, क्योंकि कैलकुलेशन का एक अलग ही वे आएगा जो हम लोगों ने स्कूल में रीड नहीं किया होता है। तो बेसिक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से कैलकुलेशन होगी। तो इस पर सबसे पहली जो कैलकुलेशन मैं करवाऊंगा वो है अगर किसी नंबर पर 5 लगा हो, विच मींस फर्स्ट फॉर्मूला मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, फर्स्ट मेथड। दो या तीन मेथड डिस्कस करेंगे, छोटी वीडियो बनाएंगे, और इसका बेसिक है अगर कोई ऐसा नंबर हो जिस पर 5 आता हो, जिसका यूनिट प्लेस 5 आता हो, विच मीन्स इकाई का स्थान, यूनिट प्लेस या इकाई का स्थान 5 आए। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूँ 45 ऐसा है जिसका, ये देखिए, ये इकाई या यूनिट प्लेस 5 आए, और दूसरा है टेंस प्लेस, ढाई का अंक, जो मर्जी हो। तो ऐसे नंबर्स की कैलकुलेशन फर्स्ट ये है। तो 45 आ गया, और कोई नंबर जैसे सेकंड ले लेते हैं इसी पे नंबर 55, देन 65, 85, कुछ एग्जांपल्स मैंने बना दिए, हर नंबर के ऊपर 5 आए। तो और याद रखिएगा इसी नंबर से हम लोगों को मल्टीप्लाई भी इसी नंबर से करना है, 45 × 45। अगर ऐसी कैलकुलेशन हो 55 को 55 से, सेम नंबर से 65 को 65 से, 85 को 85 से, क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे आप लोग कि अगर 5 आए और सेम नंबर 45 से 45, 55 से 55, ऐसा नहीं है कि 45 × 55, तो फिर अलग मेथड आएंगे।
अगर ऐसा हो तो आप लोग क्या करें, 5 × 5 ये मल्टीप्लाई करें, यूनिट से यूनिट प्लेस, 5 × 5 ये देखिए, ये 5 × 5 ये यूनिट। तो एक क्वेश्चन देखो आप लोग अच्छे से सभी, 5 × 5 कितना आएगा, दैट इज 25। ठीक है, तो ये लास्ट के दो डिजिट तो फिक्स होंगे, लेकिन इससे पीछे आपने देखना है इधर है 4, तो आपने लिया 4। इस पॉइंट पर जो नंबर होगा उस पर एक एक्स्ट्रा जोड़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो माइंड में रखिएगा, जो इस पॉइंट पर एक नंबर होगा तो आपको एक एक्स्ट्रा जोड़े, तो ये है 4, तो 4 + 1 दैट इज 5, इन दोनों नंबर्स को फिर मल्टीप्लाई करें तो आ गया 20, तो आ गया 20, तो आंसर बन गया 2045। तो नेक्स्ट देखिए 5 × 5 अगेन 25, फिर से मेथड क्या होता है, ये है 5 और इसका एक इंक्रीज करें तो क्या आ गया 6, 5 × 6 इज 30। ठीक है जी, नेक्स्ट पे तो इतना करने की जरूरत भी नहीं है, अगर आप लोग ये समझ गए 5 × 5 अगेन 25 और 6 + 1 = 7, 7 × 6 मल्टीप्लाई करें दैट इज 42, देन 5 × 5 इज 25, अगेन 8 है, इस पर एक इंक्रीज करना है तो 8 और 1 = 9 दैट इज 72। तो ये देखिए कितनी फास्ट कैलकुलेशन है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये रूल सिर्फ और सिर्फ लगाएं अगर 55 है, 55 × 55, 45 × 45 आए, ऐसे एक और मार्क्स एक और लेते हैं, दैट इज 35 × 35, तो जल्दी से देखें क्या होगा, 5 × 5 = 35, इसको एक इंक्रीज किया 4, 4 × 3 = 12, क्लियर। ऐसे एक और नंबर लेते हैं 105 × 105, तो क्या होगा 5 × 5 = 25 और इसका एक नंबर इंक्रीज 11 और ये 10 पहले से 10 × 11 110, तो ये है फर्स्ट मेथड वैदिक मैथ्स का, जिस पर मल्टीप्लीकेशन उन नंबर्स की गई है जिसका इकाई का अंक 5 है, विच मीन्स यूनिट प्लेस डिजिट इज 5। तो आप लोग देखिए इसको अच्छे से देखिए और प्रैक्टिस कीजिए।